और गाजियाबाद में डंपिंग ग्राउंड में मिले पीपीई किट। नगर निगम और नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दासना डंपिंग ग्राउंड में फेंकी गई पीपीई किट। सफाई कर्मचारियों को हो सकता है संक्रमण, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर डंपिंग ग्राउंड में मिले पीपीई किट। नगर निगम और नगर पालिका की बड़ी लापरवाही आई सामने। बता दें कि दासना डंपिंग ग्राउंड में फेंकी गई पीपीई किट। सफाई कर्मचारियों को हो सकता है संक्रमण, एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। गाजियाबाद में डंपिंग ग्राउंड में पीपीई किट मिली है, बल्कि उसे आपको बता दें कि डिस्पोज करना है। पहले उसकी बकायदे बताया जाता है कि कैसे उसका उसको यूज करना है, उसके बाद कैसे उसको डंप करना है। लेकिन यहाँ पर एक नगर पालिका की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। पीपीई किट डंपिंग ग्राउंड में पड़ी हुई मिली है, ऐसे संक्रमण का खतरा बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। सफाई कर्मचारियों को संक्रमण होने का खतरा बढ़ गया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर डंपिंग ग्राउंड में मिली पीपीई किट। नगर निगम और नगर पालिका की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दासना डंपिंग ग्राउंड में फेंकी गई पीपीई किट। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों को भी हो सकता है संक्रमण। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सोनू खानम से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सोनू, आपसे जानना चाहेंगे कि एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, पीपीई किट को जब डिस्पोज करना होता है तो ऐसे कैसे पीपीई किट फेंक दी गई? देखिए, पूरा देश कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ रहा है और जो पूरा देश है उसको जागरूक भी किया जा रहा है कि लगातार कोरोना वायरस से बचे, अपने घरों के अंदर रहें लगातार। लेकिन जो गाजियाबाद में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये सामने आया कि डंपिंग ग्राउंड के अंदर जो पीपीई किट है वो पड़ी हुई वहां पर नजर आ रही है। जो वहां पर जो कर्मचारी है सफाई वो भी वहां पर मौजूद थे और जो लोग कूड़ा चुगने वाले होते हैं वो भी वहां पर, तो आप समझ सकते हैं इसको लेकर जो पीपी किट का जो पीपी किट के अंदर संक्रमण हुआ वो किस तरीके से पूरे देश, पूरे जो गाजियाबाद में फैल सकता है, जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले हैं वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो नगर निगम है उसकी पूरी तरीके से लापरवाही सामने आई है। पीपी किट को खुले में डाल दिया गया है और जो लोग वहां पर कूड़ा जो चुग रहे हैं लोग, उनको पता ही नहीं है कि पीपी किट होती क्या है पूरी तरीके से। डॉक्टर्स लगातार जो कार्य कर रहे हैं उसके बाद, लेकिन अगर ऐसी किट अगर फेंकी जाएगी तो कहीं ना कहीं जो नगर निगम है उसकी घोर लापरवाही सामने नजर आ रही है। जी सोनू, क्या आपकी किसी नगर निगम के अधिकारी से बात हुई है? क्योंकि एक ये बड़ी लापरवाही है, वैसे भी देश में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके बाद ऐसी लापरवाही करना शर्मनाक है। देखिए, लगातार जो गाजियाबाद के नगर आयुक्त है चंडी उनसे बात करने की कोशिश करें, लेकिन अभी तक उनसे कोई बात नहीं हो पाई है, उनसे बात बने। लेकिन लगातार अगर गाजियाबाद में लगातार पूरे जो गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने लगातार जो गाजियाबाद की जनता है उससे अपील कर रहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचे। अगर गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से ही जो पीपी किट है अगर उसको खुले में डाल दिया जाएगा तो कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो तेजी से पूरे गाजियाबाद को अपनी चपेट पे ले सकता है। जी सोनू, क्या आपने पता लगाने की कोशिश की, क्योंकि जब भी पीपीई किट उपलब्ध कराई जाती है तो वो पूरा प्रोसेस समझा जाता है कि उसको डिस्पोज कैसे करना है, तो फिर आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? जी, बड़ा सवाल यही है कि जब ये पीपी किट दी जाती है तो ये उसको जो डॉक्टर अगर हमारे जो पूरे देश के अंदर जो डॉक्टर को जो वर्ष जो काम कर रहे हैं उसी को लेकर पीपी किट उनको दी जाएगी, जिससे कि जो वो कोरोना वायरस का संक्रमण उससे बचा जा सके। लेकिन उसके बावजूद अगर उस पीपी किट को यूज करने के बाद अगर उसको डंपिंग ग्राउंड में डाल दिया जाएगा तो उसका सवाल बड़ा एक खड़ा होता है कि जो लोग कूड़ा वहां चुग रहे हैं, डॉग्स वहां पर घूम रहे हैं, तो उनमें जो संक्रमण है उनको तो पता नहीं कि पीपी किट किस तरीके से यूज की जाती है। और जब पीपी किट दी जाती है उसमें पूरा बताया जाता है कि पीपी किट को इस तरीके से यूज किया जाएगा और यूज करने के बाद उसको कहीं ऐसी जगह रखा जाएगा जिससे कि वो किसी के हाथ न लगे। लेकिन उसके बाद आप तस्वीरें आप पूरी तरीके से देख सकें ग्राउंड के अंदर, जो डंपिंग ग्राउंड है उसके अंदर खुले हुए ये पीपी किट पड़ी हुई है, डॉग्स वहां आसपास उसके घूम रहे हैं, जो लोग कूड़ा बीनने के लिए आते हैं वो लोग वहां पर घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका संक्रमण है वो तेजी से एक साथ बढ़ सकता है जो गाजियाबाद को पूरी अपनी चपेट में ले सकता है। जी जी बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बड़ी लापरवाही सामने आई है नगर पालिका और नगर निगम की, पीपीई किट खुले में पड़ी मिली है। ऐसे में जब पूरा देश कोरोना संक्रमण की महामारी से जूझ रहा है उसके बाद इस तरीके की लापरवाही करना बेचरनाक है। न्यूज़ 8 में वक्त